हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम झूला कविता के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। झूले ही झूले, बताओ इनमें से किन चीजों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। नंबर एक है टायर। टायर में हम झूल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल झूल सकते हैं। नंबर दो है फाटक। फाटक में हम झूल सकते हैं? बिल्कुल, झूले की तरह हम इसमें भी झूल सकते हैं। झाड़ू, नहीं हम झाड़ू में नहीं झूल सकते। दरी, जी नहीं दरी में भी हम नहीं झूल सकते। फिर है डाली। जी हाँ, हम डाली में झूल सकते हैं। मेज, मेज में हम नहीं झूल सकते। पैरों वाला झूला, जैसे माँ आपको बिठाती है, तो जी हाँ हम इसमें झूल सकते हैं। और उसके बाद है अलमारी। अलमारी में भी हम नहीं झूल सकते। फिर नीचे देखिए, अब इसमें खाली स्थान पर हमने भरना है जो मैंने भर दी है। देखिए, मुझे पर झूलने में मज़ा आता है। किस पर? मुझे पैरों वाले झूले पर झूलने में मज़ा आता है। मुझे डाली पर झूलने में डर लगता है। मुझे फाटक पर झूलने पर डांट पड़ती है। अब अगला देखिए, तुम इन झूलों पर भी झूले हो गए। इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है? जैसे कि डाली वाला झूला कहाँ देखा है? घर के आंगन में। और टायर से लगा झूला आपने अक्सर बगीचे में देखा होगा। और ऐसा झूला कहाँ दिखाई देता है? ये दिख मिलता है हमें मेले में। और ये सीसॉ, ये हम स्कूल में अक्सर देखते हैं। फिर है ये वाला झूला जो हम मेले में देखते हैं। और ये वाला झूला जो अक्सर हम घूमने जाते हैं ना शाम को, जहाँ यानी कि पार्क में मिलता है। अब देखिए मिलाओ। मिलाओ में देखिए ठेला। ठेला कौन सा है इसमें? ठेला ये है, तो हम इसे ठेला समझ। फिर है झूला, ये है झूला। पेड़, पेड़। गठरी, गठरी। खाली जगह भरो, फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। देखिए, पेड़ के पीछे, मेज के नीचे, चारपाई के नीचे और झाड़ियों के पीछे। अब है पकड़म पकड़ाई। अब देखिए, इसमें जो अक्षर बने हैं, ऊपर बनी चीजों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। जैसे कि पहला मछली। मछली में देखिए छ भी आता है, तो हम इसको छ वाले ब्रैकेट में भी लिखेंगे। और मौ भी आता है, तो इसलिए हमने इसको मौ वाले ब्रैकेट में भी लिख लिया। तो उसी प्रकार से देख लिया, जैसे कि ठेला। ठेला किस में आएगा? ठ वाले में, ठेला। ऐसी गठरी। गठरी में आया ठ, तो हम इसको भी ठ वाले ब्रैकेट में लिख लेंगे। ऐसे आएगा छतरी। छतरी कहाँ आएगा? इसमें छ आ रहा है, तो इसे हम छ वाले ब्रैकेट में लिखें। वैसी मौ वाले ब्रैकेट में क्या आ सकता है? अलमारी, क्योंकि इसमें भी मौ आ रहा है, मौ। और ऐसी ओ वाले ब्रैकेट में अनार और अलमारी। न वाले ब्रैकेट में नल, नाव और अनार, क्योंकि अनार में भी न आ रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मछली दो बार लिखा गया है। क्या किसी और चीज का नाम भी तुमने दो बार लिखा है? जी हाँ, बिल्कुल लिखा है अलमारी, जो कि म और अ में आया है। और उसी प्रकार अनार, जो अ और न में आया है। तो बच्चों, आप ऐसे ही इसको इसकी अभ्यास करते रहिए और कविता को अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।